गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज लास्ट टाइम हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का टॉपिक किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन रहता है क्या, क्या रहता है उसका एक्सप्रेशन, वो सब हम लोग अभी करने वाले। तो यहाँ पे जब एक क्वांटिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज, दूसरा क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होता है। याद रखना प्रोपोर्शन वेरिएशन, इसमें हम लोग दो क्वांटिटीज को ही हमेशा कंसिडर करते हैं। इधर भी सेम चेक क्या होता है, एक क्वांटिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज। ऐसे टाइप के प्रोपोर्शन को आप क्या बोलते हो, इनवर्स। यहां पे पिछले बार डायरेक्ट में दोनों एक दूसरे के सामने सामने डिनोमिनेटर में रहते, इनवर्स में दोनों एक दूसरे के कहां पे रहेंगे, एक रहेगा न्यूमरेटर में तो दूसरा कहां पे रहेगा, डिनोमिनेटर में। एक्स इक्वल्स, यहाँ पे मालूम है पिछले बार ये साइन इक्वल टू के बराबर नहीं है, तो जब भी हमें इक्वल टू डालना रहता है हमें क्या इंट्रोड्यूस करना रहता है, एक कांस्टेंट इनटू यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन क्या होगा, वाई। पिछले बार वाई यहाँ पे क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई दूसरा गया तो क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। इस बार वाई यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड दूसरी साइड जाएगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज के। तो एक्स इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स इंटू वाई इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, के। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें, दैट इज ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द इक्वेशन ऑफ क्या, वेरिएशन। पिछले बार भी हमने किया था, वही सेम है। यहाँ पे एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू के, ये क्या रहने वाला, दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसको कुछ रटना नहीं है, जस्ट आपको समझ के लेना। ये तीन स्टेप्स हमने पिछले बार भी किया था, जस्ट आपको रिकलेक्ट कराता हूं। पिछले बार डायरेक्ट में एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, दोनों कहां पे रहते थे, न्यूमरेटर पे। फिर एक्स इक्वल्स यहां पे होगा के इंटू क्या होगा, वाई। फिर यहां पे y मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। तो x अपॉन y इक्वल्स टू क्या है, k, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा रहेगा। पिछले कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन ढूंढने के लिए आपको ऐसे करना पड़ रहा था, इस बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर है अच्छे से। अब यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल टू के है, तो लेट से आपको मालूम है k तो कभी चेंज होता ही नहीं, k इज कॉन्स्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो चेंज कौन होने वाला है, एक्स और वाई का वैल्यूज। तो एक्स वन इंटू वाई वन ये इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, के। वैसे एक्स टू इंटू वाई टू ये भी इक्वल टू क्या होगा, के। एक्स थ्री इंटू वाई थ्री ये इक्वल टू क्या होगा, के। एक्स एन, अभी एन क्या रहेगा, जितना नंबर ऑफ क्वांटिटीज रहेगा उतना ही नंबर रहेगा। तो एक्स एन इंटू वाई एन ये इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, के। क्या नोटिस हो रहा है, सब में वैल्यू क्या है, के है। तो इसका क्या मतलब है, इससे हम लोग फॉर्मूला बना सकते, क्या फॉर्मूला बना सकते कि एक्स वन इंटू वाई वन किसके बराबर रहेगा, एक्स टू इंटू वाई टू किसके बराबर रहने वाला है, एक्स थ्री इंटू वाई थ्री ये किसके बराबर रहेगा, एक्स फोर इंटू वाई फोर, और ये सारे वैल्यूज किसके बराबर रहेगा, के बराबर। तो यहाँ पे हमारा फाइनल फॉर्मूला जो रहेगा, एक्स वन इंटू वाई वन एक्स टू इंटू वाई टू, यहाँ पे होगा एक्स थ्री इंटू वाई थ्री, यहाँ पे होगा एक्स फोर इंटू क्या होगा, वाई फोर, और सब इक्वल टू क्या रहेगा, के। ये हम लोग क्या रहेगा, मेन फॉर्मूला जो हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर में क्या करने वाले, यूज करेंगे। अब जाते एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशनड है क्या कि ए वेरीज इनवर्सली एज क्या बोला गया, बी। तो कैसे लिखेंगे यहां पे, ए वेरीज इनवर्सली मतलब क्या आएगा, वन अपॉन यहां पे क्या होगा, बी। फिर नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम है, ए इक्वल्स यहां पे कांस्टेंट आएगा के, कांस्टेंट हमेशा ऊपर ही आता है, इनटू यहां पे क्या होगा, वन अपॉन क्या होगा, बी। बी यहां पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू यहां पे क्या होगा, के। ओके, अब
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बोला है। कितने क्वांटिटीज दिख रहे एक नोटिस हो रहा है, एक दो तीन चार। तो फॉर्मूला इधर लिखते वक्त क्या क्या आएगा, यहाँ पे होगा ए वन इंटू बी वन, ए टू इंटू बी टू, ए थ्री इंटू बी थ्री, और यहाँ पे क्या होगा ए फोर इंटू बी फोर, और ये इक्वल टू यहाँ पे क्या रहने वाले के के बराबर। सिर्फ ए और बी का वैल्यू चेंज होगा, कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या रहने वाला है सेम रहेगा। यहाँ पे कितना होगा सिक्स इंटू ट्वेंटी, यहाँ पे होगा ट्वेल्व इंटू बी टू, यहाँ पे होगा फिफ्टीन इंटू, नोटिस है ना बी थ्री का वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे ए फोर का वैल्यू नहीं पता है, तो ए फोर एज इट इज रहेगा। बी फोर कितना दिया गया यहाँ पे फोर, के का इक्वेशन में यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है तो मत ढूंढना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सिक्स इंटू ट्वेंटी को क्या करेंगे यूज करेंगे क्या ढूंढने, बी टू बी थ्री और ये ए फोर को, तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले सिक्स इंटू ट्वेंटी ये किसके बराबर रहेगा, 12 इंटू यहाँ पे क्या होगा B2, तो यहाँ पे 6 इंटू ट्वेंटी, 12 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरा क्या तो क्या होना चाहिए डिवाइड, और इक्वल टू किसके बराबर रहेगा B2 के, 6 वन जा 6, 6 टू जा क्या होगा 12, और यहाँ पे 2 10 जा कितना होगा 20, तो यहाँ पे ये कितना आएगा दैट इज B2 कितना आने वाला है यहाँ पे होगा दैट इज 10। एक और बार समझाता हूँ, चाहिए तो 6 को ऐसे ले सकते हैं 2 इंटू थ्री, 20 को ऐसे ले सकते हैं 2 इंटू 10, 12 को ऐसे ले सकते हैं दैट इज 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 6, 6 और 6 क्या होगा कैंसिल, फिर आगे 3 टू सा कितना होगा दैट इज 6 इंटू 10, नीचे भी क्या है 6, 6 और 6 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा दैट इज 10। वैसे नेक्स्ट वापस हम लोग क्या यूज करेंगे दैट इज 6 इंटू 20 यूज करेंगे क्या ढूंढने, B3, यहाँ पे 15 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये होना चाहिए डिवीजन, याद रखना मल्टीप्लीकेशन किसका रेसिप्रोकल है दैट इज डिवीजन का, एडिशन किसका रेसिप्रोकल है सब्ट्रैक्शन का, चेंज ही सब्ट्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा एडिशन, डिवीजन का रेसिप्रोकल क्या रहने वाला मल्टीप्लीकेशन, ये सब चीजें आना चाहिए। यहाँ पे 15 क्या होगा मल्टीप्लाई, तो दूसरा क्या तो क्या होगा डिवाइड, ये क्या होगा दैट इज B3। फिर नेक्स्ट 6 को लिखेंगे 3 टू जा, 20 को लिखेंगे 2 10 जा, 15 को लिखेंगे 3 5 जा, सब बेसिक टेबल्स है, अरे इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज B3, 3 और 3 क्या होगा कैंसिल, 5 और ये कैंसिल आउट होकर कितना होगा दैट इज 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा यहाँ पे क्या होगा 8, तो यहाँ पे B3 जो है ये किसके बराबर रहेगा दैट इज 8 के क्या रहने वाला है बराबर। लास्ट पार्ट जो है लास्ट पार्ट इज ओवर ईयर, 6 इंटू 20 ये यहाँ पे कितना होगा दैट इज A4 इंटू क्या होगा 4, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 6 इंटू 20, 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरा क्या तो क्या होगा डिवाइड, 4 वन जा 4 फाइव जा 6 इंटू 5 ये यहाँ पे कितना होगा 30, और ये किसके बराबर रहेगा A4 के क्या रहने वाला है बराबर। आई होप यहां तक ये पार्ट्स प्रॉपरली क्लियर है कैसे करना है करके, क्वाइट इजी है, जस्ट बेसिक चीजों को वापस वापस रिपीट करते रहो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये। ओके इस क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में दिया है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी स्क्वेयर। ओके अब यहाँ पे मैंने क्या डाला इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट इनटू यहाँ पे क्या होगा वन अपॉन क्या होगा डी स्क्वायर। नेक्स्ट अब यहाँ पे डी स्क्वायर क्या कर रहा है डिवाइड, तो दूसरा जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज के। ओके अब एक एक करके क्या करते दैट इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, क्या क्या दिया है पहले हम लोग वो लिखते, पहले हमें डी वन दिया गया कितना है दैट इज 5, एफ वन दिया है ये कितना दैट इज 18। ओके अब क्या बोला है
D2 हमें दिया है कितना है, दैट इज 10। F2 हमें नहीं पता यहां पे, क्लियर। F2 हमें ढूंढने बोला है, कितने क्वांटिटीज दिख रहे, दो क्वांटिटीज दिख रहे, तो फॉर्मूला में भी कितना क्वांटिटीज हम लोग लिखेंगे, दो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, इधर आएगा F1 × D1, लेकिन उसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मेंशनड है। यहाँ पे F2 × इधर क्या होगा, D2, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, के। हमें के का इधर कुछ पूछा नहीं के ढूंढने को, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे कितना होगा 18 × यहाँ पे कितना होगा 5 का क्या होगा, स्क्वायर। F2 हमें यहाँ पे नहीं पता है, D2 यहाँ पे कितना है 10 का क्या है, दैट इज स्क्वायर 18, 5 का स्क्वायर इज कितना 25। यहाँ पे दैट इज क्या, F2 × इधर कितना है, दैट इज 100, विच इज 10 का स्क्वायर। यहाँ पे 18 × यहाँ पे क्या होगा 25, 100 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरे जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, और इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए F2, 25 × 1 = 25, 4 × तो यहाँ पे कितना हो रहा है 18 / यहाँ पे कितना हो रहा है 4, 2 के टेबल में यहाँ पे क्या होगा 9, 2 के टेबल में यहाँ पे क्या होगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट पार्ट, 9 को हमें क्या करना है 2 से डिवाइड, तो 9 को 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे आंसर होगा 4.5, यह होगा F2। अगर इसको डिवाइड नहीं करने आता है तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या करेंगे आगे 0 0 ऐड करेंगे, जितना डालना उतना डालो। यहाँ पे 2 4 कितना होगा 8, सब्रैक्ट करके कितना आ रहा है 1, और ये 0 कहाँ पे आ रहा है नीचे, फिर इधर डेसिमल आ रहा है तो इधर भी डेसिमल डालेंगे। अब नेक्स्ट 2 5 कितना हो गया 10, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब हम लोग क्या करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आंसर कितना दैट इज 4.5। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में क्या बोला, सेम हम लोग यही फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि ये पार्ट सेकेंड है। यहाँ पे बोला है F × D2 वही सेम है, इक्वल टू क्या होगा K, वापस सेम, D1 था कितना यहाँ पे, इट वॉज कितना 5, D2 था, सॉरी मैं गलती, F1 जो था ये कितना था, दैट इज 18। फिर नेक्स्ट हमें क्या पूछे, फाइंड D, तो मतलब हमें D2 ये हमें ढूंढ के निकालना है, कब, जब जो F2 रहेगा ये कितना होगा, दैट इज 50। ओके, कितने क्वांटिटी से, क्लियरली दिख रहे दो, तो यहाँ पे F1 × D1 का स्क्वायर ये इक्वल टू यहाँ पे होगा F2 × D2 का क्या होगा स्क्वायर, और इक्वल टू क्या होगा K, K का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कितना होगा 18 × यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 50 × D2, हमें यहाँ पे नहीं पता है 18, 5 का स्क्वायर इस क्या है 25, यहाँ पे होगा 50 × इधर क्या होगा D2 का क्या होगा स्क्वायर 18 × यहाँ पे कितना है 25, नीचे यहाँ पे कितना है दैट इज 50, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा D2 का क्या होगा स्क्वायर। जाते आगे 18 को हम लोग लिखेंगे 2 × 9, 25 को हम लोग लिखेंगे 5 × 5, 50 को हम लोग लिखेंगे दैट इज 5 × यहाँ पे क्या होगा 10, 5 और ये 5 क्या होगा कैंसिल, 2 1 2 यहाँ पे कितना होगा 5 5 और 5 क्या होगा कैंसिल, ये यहाँ पे क्या होगा D2 का स्क्वायर, तो 9 = यहाँ पे क्या होगा D2 का क्या होगा स्क्वायर। ओके, याद रखना जैसे हमने किया था अभी, मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल क्या रहता है डिवीजन, एडिशन का रेसिप्रोकल जो रहता है वो रहता है सब्ट्रैक्शन, वैसे जो स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल रहता है वो क्या होता है स्क्वायर रूट, वैसे स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल क्या होगा स्क्वायर होगा, सेम चीज यहाँ पे क्या दिया स्क्वायर, जब दूसरे साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब बहुत जन को ये कंफ्यूज होता है 9 का स्क्वायर रूट क्या रहता है, तो याद रखना अगर 9 का स्क्वायर बोला गया है तो ये क्या बनेगा 9 2 बार रिपीट होगा
9 इंटू 9 होगा 81। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोला है तो यहाँ पे 9 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3, और यहाँ पे इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 3, क्योंकि 3 दो बार रिपीट हो रहा है तो रूट के बाहर आएगा तो एक बार रिपीट होगा, तो D2 जो है ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3। आई होप ये पार्ट प्रॉपरली आपको क्लियर है। अब कैसे समझता है कोई चीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? तो जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पहले किए थे, अब हम लोग समझने का ट्राई करते कैसे कोई क्वेश्चंस इनवर्स प्रोपोर्शन में है करके। उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, तो जरा ध्यान दो। इट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रैवल पुणे इफ स्पीड इज कितना बोला गया, 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, दोनों क्वांटिटी को डिफाइन करना। पहला क्वांटिटी क्या है, 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब क्या दिया गया, टाइम। तो हम लोग सबसे पहले लेट टाइम रिक्वायर्ड भी कितना आएगा, दैट इज एक्स लेंगे। दूसरा क्या दिया है, स्पीड दिया है, तो हम लोग क्या लेंगे, लेट स्पीड बी कितना होगा, दैट इज वाई लेंगे। फाइन, अब मैं सारी वैल्यूज को लिखता हूं, ठीक है। X1 कितना दिया गया, 2 आवर्स। Y1 कितना दिया, स्पीड दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या बोला गया, अगर स्पीड कितना रहेगा, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर रहेगा, तो यहां पे ये जो X2 है ये कितना रहेगा, ये आपको पूछा। तो आप जरा दिमाग लगाओ, अगर आपको यहां से पुणे जाना है, आप 60 के स्पीड से जा रहे हो, आपको 2 आवर लग रहा है, मतलब 60 के किलोमीटर से जा रहे हो आप, स्पीड क्या हो रहा है, आप 60 है, आपको टाइम 2 आवर लग रहा है। अब आपने क्या किया, स्पीड कम किया, ठीक है, स्पीड कम किया तो क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। क्या नोटिस हो रहा है, एक क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, तो दूसरा क्वांटिटी टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। आप स्लो जाओगे, आपको ज्यादा टाइम लगेगा पुणे पहुंचने। एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, ऐसे टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। तो यहां पे क्या आएगा, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर आपने वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखा तो भी राइट है, सब कुछ गलती नहीं होने वाला है। यहां पे एक्स इक्वल्स यहां पे होगा के इंटू 1 अपॉन यहां पे होगा वाई। यहां पे वाई क्या करे, डिवाइड। डिविजन का रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब यहां पे कितने क्वांटिटीज दिए, 2 क्वांटिटीज, तो यहां पे x1 इंटू x2, ये किसके, सॉरी मैं गलती हूं, यहां पे x1 इंटू y1 किसके बराबर रहेगा, x2 इंटू क्या रहेगा, y2, और इक्वल टू क्या होगा, यही फॉर्मूला में 1 और 1 डाला, 2 और 2 डाला, दैट्स इट। तो यहां पे 2 इंटू इधर कितना होगा, दैट इज 60। यहां पे x2 इंटू क्या होगा, दैट इज 40। तो ये यहां पे क्या होगा, 2 इंटू 60, 40 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरा क्या, तो क्या होगा, डिवाइड, और इक्वल टू यहां पे क्या होगा, x2। 0 0 क्या होगा, कैंसिल। यहां पे 2 इंटू 6 अपॉन क्या आ रहा है, 4, विच इज ये बन जाएगा 12 अपॉन 4, विच इज यहां पे बनेगा 3, और ये किसके बराबर है, x2 के बराबर। मतलब 40 किलोमीटर के स्पीड से जाओगे आपको कितना टाइम लगने वाला है, 3 आवर्स लगेगा। सेम चीज यहां पे भी, पहले आप दोनों क्वांटिटीज को पहले क्या करना, डिफाइन करो। इट टेक्स 10 persons टू पेंट अ हाउस इन क्या, 12 डेज। तो एक तो यहां पे क्या, लेट नंबर ऑफ persons बी क्या लेंगे, दैट इज एक्स। नेक्स्ट लेट नंबर ऑफ डेज बी क्या लेंगे, दैट इज वाई। फाइन, पहले क्वांटिटीज को पहले मेंशन करो, नंबर ऑफ persons पहले कितने थे, दैट इज इट वॉज यहां पे था 10। सेकेंड इज यहां पे नंबर ऑफ डेज जो लग रहा है ये कितना था, दैट इज 12। हाउ मच टाइम विल 15 persons, तो यहां पे लेट से 15 है, यहां पे क्या रहेगा, y2, यहां पे पता नहीं। आप जरा दिमाग लगाओ, आपका रूम को पेंट करना है, 10 लोगों को आपने एम्प्लॉय किया,
कितना दिन लगा पेंट करने? 12 दिन लगा। अगर आपने क्या किया, पर्सन्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मतलब सोचो, आपने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया तो क्या होगा, रूम को पेंट करने क्या होगा, लेस टाइम लगेगा। पता है ना आपको, अगर आपने क्या किया, नंबर ऑफ पर्सन्स को ज्यादा एम्प्लॉय किया, ज्यादा लोग आपका रूम पेंट करेगा, तो यहाँ पे जो टाइम जो लगने वाला है वो क्या होगा, लेस हो जाएगा। एक क्वांटिटी बढ़ रहा है यहाँ पे, दूसरा क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैसे टाइप का रिलेशन हुआ? इनवर्स। अब आपको देखो, ये सब चीजें ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इतना आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सा आपको फिर मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस का थोड़ा सा जरूरत है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगा के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वाई। एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा के इंटू 1 अपॉन क्या होगा, वाई। सेम चीज कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया, वाई का डिविजन कर रहा है, डिविजन इक्वल टू के दूसरे मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सेम x1 इंटू यहाँ पे क्या होगा, y1। ये यहाँ पे क्या बनेगा, x2 इंटू y2, और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, k। नेक्स्ट यहाँ पे इधर ये कितना होगा, दैट इज 10 इंटू यहाँ पे क्या होगा, 12। यहाँ पे 15 इंटू यहाँ पे क्या होगा, y2, और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, k। 10 इंटू 12 ये होगा, दैट इज, चलो इसको मैं वैसे का वैसे रखता हूँ, कुछ नहीं करता है, k का लिखने को जरूरत नहीं यहाँ पे, तो नहीं लिखा तो ही चलेगा। 15 यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई, दूसरे गया तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, y2। 10 को कैसे लिखेंगे, 5 2 जा। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 4 जा। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 5 जा। फैक्टर्स किया हमने, 5 और 5 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल। तो यहाँ पे y2 का जो वैल्यू है ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 8 हो जाएगा। आई होप ये पार्ट यहां तक प्रॉपरली आपको क्लियर है। यहाँ पे भी क्लियरली नोटिस हो रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स को जरा ऑब्जर्व करो, नंबर ऑफ वर्कर्स इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज कम हो रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ डेज जो आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कैसे टाइप का रिलेशन है, देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं कहीं भी, आपको समझना है ये। तो कैसे टाइप का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। पहले हमारा काम क्या रहेगा, दोनों जो क्वांटिटीज है उसको क्या करो, डिफाइन करो। एक क्वांटिटी यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो यहाँ पे लेट नंबर ऑफ वर्कर्स बी क्या लेंगे, दैट इज एक्स। लेट नंबर ऑफ डेज बी क्या लेंगे, दैट इज वाई। ओके, अब जाते थोड़ा सा आगे। यहां पे सबसे पहले एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वाई, क्योंकि इनवर्स में है रिलेशन, दिख रहा है यहां पे क्लियरली, इसीलिए। फिर आपको मालूम है प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू लाते तो इधर क्या आएगा, कांस्टेंट से वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। वाई यहां पे क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरे से जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और इक्वल टू यहां पे क्या होगा, के। ओके, कितने क्वांटिटी है टोटल यहाँ पे, सर सारे क्वांटिटीज हम लोग लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। x1 कितना है, 30, y1 कितना है, दैट इज 6, x2 कितना है, दैट इज 20, y2 कितना है, दैट इज 9, x3 हमें नहीं पता है, y3 कितना है, दैट इज 12, x4 हमें पता है कितना है, 10, y4 हमें यहाँ पे नहीं पता है, xy हमें यहाँ पे नहीं पता है, y5 जो है यहाँ पे कितना है, दैट इज 36। फाइन, अब आगे जाते। नेक्स्ट यहाँ पे पांच क्वांटिटी, तो फॉर्मूला 5 बार रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे होगा x1 इंटू यहाँ पे होगा, दैट इज y1, यहाँ पे x2 इंटू यहाँ पे होगा y2, यहाँ पे x3 इंटू क्या होगा, y3, और यहाँ पे x4 इंटू इधर क्या आने वाला है, y4, ये इक्वल टू यहाँ पे x5 इंटू यहाँ पे क्या होगा, y5, और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज k। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज डालना है। तो कितना होगा, दैट इज 30 इंटू 6,
इंटू नाइन, एक्स थ्री हमें नहीं पता है, वाई थ्री इज यहाँ पे 12, एक्स फोर यहाँ पे कितना है 10 इंटू यहाँ पे होगा वाई फोर, यहाँ पे एक्स फाइव इंटू क्या होगा 36। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक एक करके एक एक क्वांटिटी ढूंढेंगे। हम लोग 30 × 6 यूज करेंगे क्या ढूंढने, एक्स थ्री वाई फोर एक्स फाइव। आप चाहिए तो 20 × 9 भी यूज करके कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 30 × 6 यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले 30 × 6 ये किसके बराबर रहेगा, एक्स थ्री इंटू 12, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, दैट इज डिवीजन होगा। यहाँ पे 6 × 1 = 6, 6 × 2 = क्या होगा 12, 30/2 यहाँ पे क्या होगा एक्स थ्री, टू और ये कैंसिल आउट होके जो एक्स थ्री है वो कितना, दैट इज 15। चलो वैसे 30 × 6 इसको यूज करेंगे क्या ढूंढने, वाई फोर यहाँ पे 30 × 6, 10 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरा गया तो क्या होगा, दैट इज डिवाइड, 10 × 1 = 10, 3 × 3 = 3 × 6 ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 18। नेक्स्ट यहाँ पे इधर आएगा दैट इज 30 × 6 इसको यूज करेंगे एक्स फाइव ढूंढने, यहाँ पे होगा 30 × 6, 36 यहाँ पे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई दूसरे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = तो यहाँ पे होगा 30/6 ये कितना होगा, दैट इज एक्स फाइव, 6 × 1 = 6 यहाँ पे क्या होगा 5 = तो एक्स फाइव यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5 होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ पे प्रॉपरली क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, मतलब सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप ये हमें करके बताने बोला। पहले हमें दिया है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिए, क्यू, प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा के और ये क्या होगा 1/ क्या होगा क्यू, क्यू यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड तो दूसरे जाएगा तो क्या होगा डिविजन, दूसरे गया तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे होगा पी इंटू क्यू ये इक्वल टू यहाँ पे होगा के। अब नेक्स्ट हमें क्या ढूंढने बोला है, के और क्यू ढूंढने बोला है तो क्या क्या क्वांटिटीज दी है वो हम लोग क्या करेंगे पहले साइड में लिख के रखेंगे। पी वन दिया है कितना है 15, क्यू वन दिया है कितना, इट इज 4, तो यहाँ पे 15 × 4 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज के, के इक्वल्स 15 × 4 ये होगा 60। यहाँ पे हमने क्या ढूंढ के निकाला, हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ढूंढा है। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, के का वैल्यू डालना है तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पे होगा, आप चाहिए तो इसमें भी डाल सकते हो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं कि इसमें डालना है, आप इसमें भी डाल सकते हो सेम ही आंसर आपको मिलेगा। तो पी इक्वल्स यहाँ पे होगा 60 × यहाँ पे क्या होगा 1/Q, आपने अगर इधर भी सब्सटीट्यूट किया तो भी राइट है, लेट्स से आपने ऐसे लिखा पी इंटू क्यू इक्वल्स टू 60 तो ये वाला पार्ट भी क्या है राइट है और ये वाला पार्ट भी क्या है दैट इज राइट है, दोनों राइट है। ठीक है, अब जाते सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड में यहां पे क्या बोला है, जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है डब्ल्यू, तो इक्वल टू डालेंगे तो यहां पे कांस्टेंट आएगा के विच इज 1/ यहां पे होगा डब्ल्यू। नेक्स्ट आपको वाला डब्ल्यू यहां पे क्या करे डिविजन में है दूसरे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा के। नेक्स्ट क्या क्या वैल्यूज दिया है वो हम लोग पहले लिखते, जेड इक्वल्स यहाँ पे होगा 2.5, डब्ल्यू इक्वल्स यहाँ पे होगा 24, तो हम लोग क्या करेंगे जेड और डब्ल्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके के ढूंढेंगे तो यहाँ पे होगा दैट इज 2.5 इंटू यहाँ पे क्या होगा 24 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा के, 25 को डायरेक्टली 24 से मल्टीप्लाई करो तो ये यहाँ पे कितना होगा 100,
ये यहाँ पे कितना होगा 50, 0 0, और ये कितना होगा 6, तो यहाँ पे कितना होगा दैट इज 600 हो जाएगा। डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगा, जो के का वैल्यू आ रहा है ये कितना आ रहा है 60। ये हो गया कांस्टेंट ऑफ, क्या हो गया, वेरिएशन। हम लोग क्या करेंगे, के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्या ढूंढेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे होगा जेड इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा 60, ये क्या हो जाएगा दैट इज इक्वेशन ऑफ क्या होगा वेरिएशन। यहाँ पे साइड पे बस देयरफॉर लिख के रख देना। फिर आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे, इधर दिया है एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t² से। ओके, तो यहाँ पे एस इक्वल्स, यहाँ पे होगा के इंटू 1/ क्या होगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरी जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज के। एस जो है ये इक्वल टू यहाँ पे कितना है दैट इज 4, टी जो है यहाँ पे इक्वल टू कितना है 5। इसका वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू क्या बोला है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि 5 कितने बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट होगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज के। ये बन जाएगा 4 इंटू 5 का स्क्वायर इज यहाँ पे होगा 25। 25 को 4 को मल्टीप्लाई करने पे के का वैल्यू ये यहाँ पे कितना होगा दैट इज 100 होगा। आई होप ये पार्ट यहां तक प्रॉपरली क्लियर है करके। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√y से। एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा के इंटू 1/ यहाँ पे होगा रूट वाई, यहाँ पे रूट वाई क्या कर रहा है डिवाइड, दूसरे से जाएगा तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई, और इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा दैट इज 1। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते तो यहाँ पे होगा दैट इज 15 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ क्या बोला गया 9, और इक्वल टू सॉरी यहाँ पे इक्वल टू के होगा। ओके, अब 9 का स्क्वेयर करने बोला है तो ये क्या होगा 9 इंटू 9 81। 9 का स्क्वेयर रूट करने बोला है तो स्क्वेयर रूट के अंदर यहाँ पे होगा 3 इंटू 3, 3 दो बार रिपीट हो रहा है तो स्क्वेयर रूट के बाहर कितने बार आएगा, एक बार आएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 15 इंटू 3, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा के, 15 थ्री जा ये बन जाएगा दैट इज 45। तो जो के का वैल्यू यहाँ पे जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा 45 के। यहाँ पे हमें करना क्या है, लास्ट में हमें के का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक्स इंटू रूट वाई ये इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज 45। ये हमारा यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन ऑफ क्या होगा वेरिएशन। आई होप ये पार्ट प्रॉपरली आपको क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला है कि बॉक्सेस में एप्पल्स को क्या करना है, फिल करना है करके। अब आप जरा सोचना, ऐसा बड़ा सा एक हीप है एप्पल्स का, एप्पल्स का हीप मतलब ऐसा बड़ा सा ढेर है किसका, एप्पल्स का बोला गया। अब आप जरा सोचो, आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें आप क्या भर रहे हो, 24 एप्पल्स भर रहे हो। तो ये छोटा सा बॉक्स भरने के लिए कितना लगा, टोटल 27 बॉक्सेस ऐसे लगे। क्या बोला, वापस समझाता हूं आपको, ये जो एप्पल्स का जो ढेर है उसको क्या करना है, बॉक्सेस में भरना है। लेकिन ये बॉक्स क्या छोटा बॉक्स है जो सिर्फ कितना एप्पल्स को भर सकता है, 24 एप्पल्स को भर सकता है। तो ऐसे आपको कितने बॉक्सेस लगे, ऐसे आपको टोटल 27 क्या लगे, बॉक्सेस लगे। अब आपके पास क्या आ गया, एक बड़ा बॉक्स आ गया जिसमें आपको क्या भरना है, 36 एप्पल्स को भरना है। तो आप जरा कॉमन सेंस लगाओ, बड़े बॉक्स में जब आप क्या करोगे, एप्पल्स भरोगे, तो आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस जो लगेगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स क्या लगेगा, लेस लगेगा। ठीक है, वापस समझाता हूं आपको क्या करना है। यहां पे ये जो दिख रहा है आपको पूरा जो पहाड़ बना है एप्पल्स का, उसको आपको बॉक्सेस में क्या करना है, फिल करना है। पहला जो बॉक्स है छोटा बॉक्स है, उसमें आप लेस एप्पल्स को भरोगे तो आपको कितना बॉक्सेस लग रहा है, ऐसे 27 छोटे बॉक्सेस लग रहे। अब आपके पास एक बड़ा बॉक्स आ गया, ये बड़े बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, 36 एप्पल्स को फिल कर सकते हो। ओके, आप 36 एप्पल्स को फिल कर सकते हो एक बॉक्स में,
तो आपको जो नंबर ऑफ बॉक्सेस लगेगा वो क्या लगेगा, लेस नंबर ऑफ बॉक्सेस लगेंगे, क्योंकि ज्यादा एप्पल्स आप भर पा रहे हो इसीलिए। तो ये कैसे टाइप का रिलेशन हुआ, जब आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स को क्या कर रहे हो, दिख रहा है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आपका जो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, लेस बॉक्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेगा। तो पहला हमारा काम क्या है, दोनों क्वांटिटीज को क्या करना, डिफाइन करना। तो लेट नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स बी क्या लेंगे, दैट इज एक्स। दूसरा, लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस बी क्या लेंगे, दैट इज वाई। आगे मैं एक पूरे क्वांटिटीज को लिखता हूं, नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स कितना था, 24। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लग रहे थे, दैट इज 27। नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स कितना है, 36। नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे कितना लग रहा है, पता नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, एक्स वन इंटू वाई वन, पहले हम लोग सॉरी पहले हमें बताना है, दिख रहा है क्लियरली बॉक्स बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है ये आपको क्या लगेगा, यहाँ पे लेस लगेगा। कैसे टाइप का रिलेशन हुआ, इनवर्स। तो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे होगा वाई, एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा के इंटू वन अपॉन क्या होगा वाई, एक्स यहाँ पे कितना होगा, दैट इज ये हो जाएगा यहाँ पे 24। गलती हो, वाई यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरा गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ओके, क्लियरली दिख रहा है आपके पास कितने क्वांटिटीज है, टोटल दो क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे होगा एक्स वन इंटू वाई वन, ये किसके बराबर रहेगा, एक्स टू इंटू वाई टू। तो ये होगा 24 इंटू 27, ये यहाँ पे होगा 36 इंटू यहाँ पे होगा वाई टू, 24 इंटू 27, 36 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। 24 को ऐसे ले सकते हैं 3 8 जा, 27 को ले सकते हैं 3 9 जा, 36 को ले सकते हैं दैट इज 9 4 जा। 9 और 9 क्या होगा, कैंसिल, लास्ट पार्ट जो है 3 8 को ऐसे लिखेंगे 4 2 जा, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 3, नीचे क्या आएगा यहाँ पे 4, ये कितना होगा, दैट इज वाई टू, 4 और 4 क्या होगा, कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 3 जा यहाँ पे क्या होगा 18, तो वाई टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 18। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। यहाँ पे हमें बस क्या करना है, इसको स्टेटमेंट में लिखना है, क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ क्या, दैट इज साउंड, ये क्या बोला गया, दैट इज इनवर्स वेरिएशन में है, किसके साथ बोला गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी के साथ। वेवलेंथ को कैसे लिखने बोला, एल इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन क्या होगा, एफ। सेकेंड यहां पे इंटेंसिटी ऑफ क्या, दैट इज लाइट, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, तो यहां पे एक वर्ड दिया गया है वो हम लोग इधर लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ क्या बोला गया, डिस्टेंस। स्क्वायर बोला है तो इसका मतलब आपको क्लियर रहना चाहिए, इंटेंसिटी को लेने बोला है आई, स्क्वायर को यहां पे लेने बोला है डी, स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर होगा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। यहां पे फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ओके, अब जाते आगे, यहां पे एक्स इक्वल्स इधर होगा के इंटू वन अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, वाई। वैल्यूज को यहाँ पे क्या करते, सब्स्टिट्यूट, उसके पहले यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज को लिख लेते, तो इधर आएगा एक्स इंटू रूट वाई इक्वल्स इधर क्या होगा, के, क्या कह दिया, एक्स वन जब कितना होगा 40, वाई वन कितना होगा, दैट इज 16, एक्स टू जब कितना होगा 10,
Y2 जो है ये हमें नहीं पता है, कितने क्वांटिटीज दिए, दो क्वांटिटीज, तो X1 इंटू रूट ऑफ Y1 ये इक्वल टू होगा X2 इंटू रूट ऑफ Y2, ये रूट डालना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा K, यहाँ पे बन जाएगा 40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16, यहाँ पे बनेगा 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा Y2। ओके, अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 का क्या मतलब है, 16 को हम लोग यहाँ पे वी कैन राइट इट एज 4 इंटू 4, 4 क्या हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है, तो स्क्वायर रूट के बाहर एक बार आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 4, यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा Y2। अब 40 इंटू 4, 10 का जो रेसिप्रोकल होता है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन का रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा, ये यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा वाई, 10 फोर जा कितना होगा 40, 4 इंटू 4 ये यहाँ पे कितना होगा दैट इज 16। स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल क्या होता है, स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट जब यहाँ पे होगा ये बनेगा 16 का स्क्वायर बनेगा, 16 का स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे होगा 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर यहाँ पे 16 इंटू 16 होगा विच इज 256, तो यहाँ पे वाई इक्वल्स कितना होगा दैट इज 256। आई होप यहाँ तक ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है एक्स वेरीज इनवर्सली एज क्या बोला गया, वाई, तो यहाँ पे एक्स वेरीज इनवर्सली विथ क्या होगा वाई, एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा के इंटू वन अपॉन वाई, यहाँ पे वाई इधर क्या करे डिवाइड, डिवीजन का रेसिप्रोकल यहाँ पे होगा मल्टीप्लीकेशन, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा के, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जब X1 यहाँ पे कितना होगा 15, Y1 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 10, जब X2 यहाँ पे क्या होगा 20, Y2 हमें यहाँ पे नहीं पता है, कितने क्वांटिटीज यहाँ पे दिए, दो क्वांटिटीज, X1 इंटू Y1, X2 इंटू Y2 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा K, तो यहाँ पे 15 इंटू यहाँ पे होगा 10, 20 इंटू यहाँ पे होगा Y2, यहाँ पे होगा 15 इंटू 10, 20 मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई का जो रेसिप्रोकल ये क्या होगा डिवीजन होगा, ये 0 0 क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा 15 अपॉन क्या हो रहा है 2। ओके, तो मतलब क्या हमें 15 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, 2 7 जा कितना होगा दैट इज 14, 1, अब इधर डेसिमल पॉइंट आ रहे तो इधर भी डेसिमल पॉइंट, आगे क्या होगा 0, 2 5 जा कितना है दैट इज 10, तो यहाँ पे लास्ट पार्ट में Y2 जो रहेगा ये कितना होगा दैट इज 7 पॉइंट क्या होने वाला है 5। आई होप ये पार्ट आपको प्रॉपरली आता क्लियर है। इसी के साथ हम लोग का ये एक्सरसाइज क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे दैट इज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहां पे हम लोग बेसिक सीखेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आप क्या करना दैट इज ये सब चीजें जो आपको सिखाया है इसको अच्छे से आप रिवाइज करके लेना, ठीक है।